तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओप्पो A5 की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ पहले फ़ीचर्स पढ़ लेते हैं। काफ़ी अच्छे इसके फ़ीचर्स भी हैं। देखें आप, ये लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, मैं फोकस कर देता हूँ। ये देखें, 4 GB रैम, 32 GB इसकी मेमोरी, नेटवर्क, वॉल एंड चार्जर, सब कुछ अच्छा है फ्रेंड्स। इसका फ्रेंड्स तकरीबन काफ़ी अच्छी ही इसका प्रिव्यू थी। चलें इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसा सेल है। तो हमने इसको ओपन मैंने पहले कर दिया था, मैं आपके सामने करना चाह रहा। तो सबसे पहले ये एक कवर आता है जिसके अंदर ये एक सिलिकॉन की एक मौजूद होता है कवर, जो इसके अंदर ऑलरेडी होता है। काफ़ी अच्छा है ये भी, और साथ बुक्स वगैरह इसकी मौजूद होती हैं इसकी ट्रांसलेटिंग वगैरह करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उसके साथ ये है मोबाइल, वो क्या नाम है इसका, ओप्पो A5। ये देख सकते हैं आप क्या इसकी शेप है, आप ख़ुद देखें, ख़ुद जज करें। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये ज़बरदस्त इसकी बैक फिनिशिंग है। तो ये देखें, पहले से मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है, मैंने इस पर फिंगरप्रिंट लगाई है, इसकी फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छी है। देखें ये मैंने टच किया और ये देखें ओपन, बहुत फास्ट इसकी फिंगरप्रिंट है फ्रेंड्स। इसकी हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। ये मेरे पास इसका बिल है, इसके अंदर मोबाइल मौजूद होता है, उसके बाद ये देखें इसके अंदर चार्जर भी मौजूद है, काफ़ी अच्छा है, 5 वोल्ट का है। अच्छी फास्ट चार्जिंग नहीं है लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर इसकी वो भी मौजूद है डाटा केबल, काफ़ी अच्छा लग तो रहा है मुझे। लेकिन अभी हम इसके यूज़ करके देखते हैं इसकी पिक्चर वगैरह कैसी है और आप देखिएगा कि ये कैसा लगता है। तो हम चलें इसका मोबाइल को देख लेते हैं कि मोबाइल में इसका क्या क्या कुछ मौजूद है। तो ये देखें, कुछ इस तरह का ये मोबाइल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसकी बैक बहुत पसंद आई फ्रेंड्स, क्योंकि देखें कितनी कूल इफेक्ट कर रहा है। किसी के पास जाएं वो देखें कितना कहेगा कि ज़बरदस्त सा मोबाइल है। और देखें इसके अंदर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैमरे की। तो हम कैमरे की इसकी बात कर लेते हैं, आप फ्रंट देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एडिटिंग आई है। देखें कितने इसकी अच्छी फेस ब्यूटी के साथ कितना अच्छा आया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर के, इसके अंदर बग़ैर ब्यूटी के कैसी है। बग़ैर ब्यूटी के देखें इस तरह की पिक्चर आएगी कुछ आपके सामने। और साथ आप अब इसका फ्रंट, इसका रेयर कैमरा देख लेते हैं, जो है 13+2 मेगापिक्सल, और जो फ्रंट था इसका, वो फ्रंट था उसका 8 मेगापिक्सल, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद हम उसे फ्रंट कैमरे से पहले पोर्ट्रेट भी लेके देख लेते हैं, जो पोर्ट्रेट कैसे आती है। तो ये देखें आपके पास ये पोर्ट्रेट भी आ गई है। और उसके बाद अब देखते हैं इसके रेयर कैमरा यानी कि इसका बैक कैमरे की। बैक कैमरा भी 13+2 मेगापिक्सल है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये देखें कितनी अच्छी इसने यहाँ पर शो की है पिक्चर्स, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। और साथ साथ देखें इसका, अगर हम पोर्ट्रेट मोड उसका बैक कैमरे का लेते हैं, तो ये भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखें इसके अंदर और भी काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं। 4 GB इसकी रैम है, 32 GB इसकी मेमोरी है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा एक Realme 2 इंडिया में भी इसका ये लॉन्च हुआ है, वो उसके अंदर रियल मी के नेम से सेम बिल्कुल मोबाइल है और कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है, बहुत सेम है। इंडिया वालों से मैं गुजारिश कहूँगा, मेरे वो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और उनको मैं यही कहूँगा कि वो भी रियल मी की जगह ओप्पो A5 लेना ज़्यादा अच्छा है। और काफ़ी अच्छी इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं, ज़बरदस्त दस्त मज़ा आ गया है मुझे तो ये यूज़ करके। मुझे लाइव हुए सिर्फ एक दिन हुआ है मैंने, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल में सिर्फ वो चीज़ें दिखाता हूँ जो मैं ख़ुद यूज़ करने के बाद मुझे अगर इसके अंदर तसल्ली होती है आपको बताने के लिए तब मैं बताता हूँ, वरना मैं नहीं बताता। वैसे आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसके अंदर, ये देखिए टच है, कब अच्छा वर्क कर रहा है इसके अंदर। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स भी हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है इसको चलाने में। इसका फिंगरप्रिंट, फेस लॉक सब ज़बरदस्त है। फेस लॉक तो इसका आउटस्टैंडिंग है, फिंगरप्रिंट ये देखें आप खुद देख सकते हैं। ये देखें मैंने टच किया और ओपन हो गया, ये देखें ये मैंने क्लोज़ किया हुआ है, ये देखें ये टच, ये ऑन, ये देखें ये टच, ये ऑन। कितना ज़बरदस्त फ्रेंड्स ये मोबाइल है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया है मुझे इसको लेने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये मेरे ओप्पो A5 काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये है ही ऐसा सेल, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ैन हो चुका हूँ, क्योंकि ये मोबाइल काफ़ी ही अच्छा है। 28,000 की प्राइस में इनवॉइस के साथ 25 में मिल जाता है, ब्लू कलर बहुत ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स मैं रेड को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रेड कलर काफ़ी डल है उसके अंदर कैमरा। आई डोंट नो, सेम है ओप्पो A5 भी है, ओप्पो A5 लेकिन कलर का डिफरेंस है, लेकिन फ्रेंड्स उसका कैमरा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा हो जाता है, तो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा। इसका कैमरा
कैमरा काफ़ी अच्छा है, बैक भी इसकी अच्छी है, उसकी भी ऐसी है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे ब्लू का पता नहीं कैमरा अच्छा क्यों लग रहा है। रेड मेरे फ्रेंड के पास है लेकिन मुझे उसके अंदर इससे काफ़ी डल लगा है कैमरा रेड कलर में, लेकिन ब्लू में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इसके अंदर अच्छा उसके अंदर वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आपको A5 अच्छा लगा है या इसके अलावा आप कोई और देखना चाहते हैं अनबॉक्सिंग, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।